अभी तंजानिया में एक यूनिक हिंदू क्रिमेटोरियम देखा था, जो थोड़ा रूखा, इतना अफ्रीका का इतना इंटीरियर में, मेन तंजानिया सिटी में भी नहीं, इतना इंटीरियर में हिंदू क्रिमेटोरियम, जिसको हम लोग शमशान घाट बोलते हैं ना, वो देखा था। तो हम लोग अंदर गया था देखने के लिए, तो बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, तो उसी को मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इधर जाते जाते हम सडनली देख के ही मैं गाड़ी रुका, अंदर गया। अंदर का जो इतना शांत वातावरण है ना, हालांकि थोड़ा अलग टाइप का एम्बियंस था इधर, थोड़ा बहुत बारिश गिर रहा है, बहुत तूफान था, और जस्ट बीच बीच में जोर से वो थंडरस्टॉर्म आ रहा था, बारिश बहुत हुआ है मॉर्निंग से, डे टू डे डेली हो रहा था। फिर भी हम लोग अंदर गया और एक अनोखा एक्सपीरियंस किया। देखो ये बहुत थोड़ा पुराना है, इधर हिंदू ऐसा बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं है, लेकिन है कुछ कुछ, गुजराती ज़्यादा है, गुजरात का लोग मारवाड़ी थोड़ा है, और जनरली इंडिया पाकिस्तान से लोग है, इंडियन हिंदू थोड़ा है। तो मैं इसीलिए अंदर गया, हेजिटेशन हो रहा था लेकिन गया, वही दिखाऊंगा कैसा है अंदर। देखो एक बहुत सारा पेड़ है, ग्रीनरीज है, ये सामने जाते ही थोड़ा हेजिटेशन हो तो रहा था, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि माहौल थोड़ा अलग टाइप का ही था, लेकिन ठीक है। अंदर जाके देखा कहाँ पे सब कुछ होता है, लाश को कहाँ रखता है, कैसे करके जलाता है। इधर वो इलेक्ट्रिक चुल्ली वैसा नहीं है, अभी भी पुराना जमाने जैसा है, काठ से पूरा जलाता है डेड बॉडी को। और इधर उतना सामने नहीं गया तो फीलिंग थोड़ा अलग टाइप का हो रहा था, अजीब अजीब सा दूर में बैठा है ऐसा कोई, वो देखो ब्लू कलर में, तो साड़ी में, वैसा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, भूत आई डोंट बिलीव इन दैट, बट पूरा खाली था, कोई नहीं था। और इवनिंग होते आ रहा था, ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम होने वाला था, तो ज़्यादा टाइम हम लोग बहुत उधर सामने नहीं गया, कुछ दिख रहे थे कोई बैठा था, क्या बैठा था वो हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और इधर ऐसा उधर जलाया जाता था।